हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सीएनसी वीएमसी टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जीरो ऑफसेट, टूल ऑफसेट, वर्क कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्क ऑफसेट सभी जो है डिटेल में बताने वाला हूँ, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो जीरो ऑफसेट क्या होता है दोस्तों, मैंने सीएनसी मशीन में ऑफसेट कैसे लेते हैं, वर्क ऑफसेट कैसे लेते हैं, ये पहले ही बता चुका हूँ और एक वीडियो अपलोड किया हुआ, जिसने नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो को देख सकता है। आज मैं आपको वीएमसी मशीन पे ईएमएस है या रोबो ड्रिल है, कोई सी भी वीएमसी मशीन है, उस पर ऑफसेट किस तरह से लेते हैं और वर्क ऑफसेट क्या होते हैं, जीरो ऑफसेट क्या होता है, ये बता रहा हूँ। तो जीरो ऑफसेट दोस्तों, मशीन मैन्युफैक्चरर जब मशीन बनाता है तो इसका एक ओरिजिन डिसाइड कर लेता है, जहाँ पे एक्स वाई और जेड की होम पोजीशन डिसाइड कर लेता है, उसको जो है मशीन का जीरो ऑफसेट बोलते हैं। मशीन ओरिजिन भी बोलते हैं, मशीन जीरो ऑफसेट भी बोलते हैं और होम पोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है। वो फिक्स रहती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मशीन मैन्युफैक्चरर में स्लाइड पे भी और मशीन के बॉडी पार्ट पे भी एक एरो माउंट कर देता है, जब हम तीनों डायरेक्शन को रेफरेंस कर देते हैं तो वो एरो आपस में मैच कर जाते हैं, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसको जीरो ऑफसेट बोलते हैं या मशीन का ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। टूल ऑफसेट क्या होता है, उस ओरिजिन पॉइंट से लेकर के किसी कंपोनेंट के सरफेस पे किसी भी कॉर्नर पे हम टच करते हैं, जब टूल को जॉग मोड में मैनुअली हैंडल मोड में लाते हैं या जॉग मोड में लाते हैं और किसी कॉर्नर पे हम टच करते हैं पार्ट पे टूल को, तो वो टूल ऑफसेट कहलाता है। टूल को किसी भी कॉर्नर पे, पार्ट के किसी भी कॉर्नर पे टच करके एक्स वाई जेड जीरो करना टूल ऑफसेट कहलाता है, ठीक है दोस्तों। टूल के लिए, किसी भी टूल के लिए ऑफसेट लेना पड़ता है, छोटा टूल हो या बड़ा टूल हो या किसी भी तरह का टूल है, उसके लिए ऑफसेट लेना जरूरी होता है, तो उसको टूल ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, मशीन में चार तरह के कोऑर्डिनेट दिखाई देते हैं, जब आप पॉज वाला बटन दबाते हैं मशीन में पोजीशन की, तो वहाँ पे ऑल पे दबाएंगे अगर बटन, तो आपको चार कोऑर्डिनेट दिखाई देंगे, मशीन कोऑर्डिनेट, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, रिलेटिव एंड डिस्टेंस टू गो, चार तरह के कोऑर्डिनेट आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो मशीन कोऑर्डिनेट जो दिखाई देता है मशीन जो है, तो वो मशीन ओरिजिन, जो ओरिजिन मैंने बताया है होम पोजीशन जो है, तो वो दिखाई देता है, ठीक है। मशीन का जो ओरिजिन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड, वो दिखाई देंगे, जीरो 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 पोजीशन जो भी है उसकी, वो दिखाई देगी, ठीक है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है, वहाँ से लेकर के और आपके कंपोनेंट के सरफेस के किसी कॉर्नर तक टच करते हैं और वहाँ पे एक्स वाई जेड आप जीरो करते हैं, वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, क्योंकि आप प्रोग्राम का पाथ वहाँ से चलेगा, आपका कॉर्नर से, किसी भी कंपोनेंट के कॉर्नर से आप प्रोग्राम का पाथ चलेगा, तो वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट कहलाता है। रिलेटिव कोऑर्डिनेट, मशीन के ओरिजिन से, होम पोजीशन से लेकर के मशीन कहीं पे भी आपकी ट्रैवल कर रही है, आपने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट ले लिए हैं और वर्क ऑफसेट ले लिया, उसके बाद में कटिंग करना शुरू किया, तो जहाँ भी आपकी ट्रैवल कर रही है, कहीं भी चल रही है, तो होम पोजीशन से लेकर के वहाँ तक के डिस्टेंस को रिलेटिव कोऑर्डिनेट कहते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। और मशीन का जब आपने ऑब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट लिया, जब किसी पार्ट के कॉर्नर पे आपने ऑफसेट लिया, ऑफसेट लेने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पाथ में जो आपका सिंटैक्स डला हुआ प्रोग्राम में रीड करते हुए चलता है, तो जितनी भी डायमेंशन उसको चलना है, एक्स में, वाई में, जेड में जितना मूवमेंट उसको करना है, वो डिस्टेंस टू गो कहलाती है, ठीक है दोस्तों। मशीन पर भी मैं आपको अभी बताऊँगा इन चीज़ों को, चार चीज़ों को। तो और वर्क ऑफसेट हमारा जो है, अभी तक हमने देखा सीएनसी मशीन में हम एक पार्ट एक बार में माउंट करते हैं और उसकी मशीनिंग करते हैं, लेकिन आप बीएमसी मशीन पे एक बार में कई सारे टूल आप मैगजीन में लोड कर सकते हो, कई सारे कंपोनेंट एक साथ बना सकते हो, कई सारे अलग अलग ऑपरेशन एक साथ कर सकते हो जो, ठीक है, एक बार में एक प्रोग्राम में कई सारे ऑपरेशन या रिपीटेड ऑपरेशन या रिपीटेड ऑपरेशन पे कई सारे पार्ट पे कर सकते हैं जो है, ठीक है। तो इसके लिए हम वर्क ऑफसेट लेते हैं G54 से G59, मतलब एक बार में 6 वाइस हम लोग माउंट कर सकते हैं, 6 वाइस पे कई सारे पार्ट कर सकते हैं या 6 पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं हम जो है, ठीक है। G10 हमारा डेटा सेटिंग मोड होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर जरूरत होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के समझाऊंगा, ठीक है। तो G54 से 59 तक वर्क कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट के लिए, 6 पार्ट के लिए 6 कोऑर्डिनेट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको मशीन पर बताता हूँ, तो ये देख रहे होंगे आप, ये मशीन का स्केल बना रखा है मैंने, एक एक्स का और एक ये वाई का जो है, ठीक है, यहाँ से वाई प्लस में है, ये माइनस में है, यहाँ एक्स प्लस में है, पीछे की ओर जाएंगे तो माइनस में है, तो यहाँ 6 पार्ट माउंट हो रखे हैं और इन माउंट पार्ट यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो है इसका
कॉर्नर पे हमने एक्स वाई जेड, मशीन ये का ओरिजिन ये होम पोजीशन यहाँ पे खड़ी है, यहाँ से मूवमेंट करते हुए लाए मशीन को जो है जेड जॉब मोड में, और ये इस कॉर्नर पर टच करते हैं, बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे टच करते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों हम जीरो 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 करते हैं, मेजर करते हैं तो जीरो 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 करते हैं, तो एक्स की रीडिंग कितनी आ जाएगी 2 mm। देखिए ऊपर से यहाँ से लेकर के इस स्केल में यहाँ से देखिए 2 mm पे खड़ी है, और वाई में कितने पर खड़ी है -10 पे खड़ी है। सेम इसका दूसरे का जो है यहाँ से देखेंगे 8 mm पे खड़ी है और इसमें -10 mm पे खड़ी है, जेड में जीरो, ठीक है। इसी तरह से सारे 55, 54, 55, 56, 57, 58, 59 छः पार्ट एक साथ में लगे हुए हैं, सबके लिए अलग अलग है, प्रोग्राम एक हो सकता है लेकिन इस पार्ट को अगर काटना है तो आप कहाँ से डिसाइड करोगे, क्योंकि मशीन का ओरिजिन ये है, यहाँ से रीडिंग नहीं पढ़वाओगे, पढ़वाओगे कहाँ से रीडिंग को, यहाँ से रेफरेंस पॉइंट किसको मानेगा, एब्सोल्यूट का यहाँ से मानेगा, इस पार्ट के लिए यहाँ से मानेगा, ये रेफरेंस पॉइंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से हम कहीं भी खड़ी कर देंगे मशीन, लेकिन जब पार्ट कटिंग करना शुरू करेगा तो इसको रेफरेंस पॉइंट मानेगा, यहाँ से एब्सोल्यूट मोड में चलेगी मशीन, ठीक है। तो छह पार्ट के लिए अलग कोऑर्डिनेट डालने हैं, अगर मान लो हमारा 58 वाला है, 58 वाले का ड्रिल या कोई मशीनिंग आउट हो रही है कहीं, यहाँ पे सेंटर में ड्रिल करना था, वो शिफ्ट हो रहा है इधर की ओर हो रहा है, उसको 20 में लाना, तो क्या करेंगे हम G58 में ही उसका ऑफसेट देंगे, किस में देंगे, अगर इधर की तरफ शिफ्ट था इधर को लाना है तो एक्स में माइनस करेंगे, इधर था तो प्लस में करेंगे तो एक्स में प्लस करेंगे, अगर आगे पीछे है तो वाई में करेंगे, ठीक है। जेड में सिर्फ डेप्थ में जाता है, ठीक है, तो एक्स और वाई में हम यहाँ पे एडजस्टमेंट अपना कर सकते हैं जो है, तो वो ये वर्क ऑफसेट कहलाता है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दो प्रोग्राम बनाए, एक ही प्रोग्राम मेन प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के जरिए सब प्रोग्राम को कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो G28 X0 Y0 जब भी हम देते हैं तो मशीन अपने ओरिजिन में पहुँच जाती है, मतलब होम पोजिशन जो है, ठीक है, जीरो पोजीशन पे पहुंच जाती है, ये ओरिजिन है आपका एक नंबर जो दे रखा है। दो नंबर में क्या है, G0 G90 एब्सोल्यूट मोड में है, G0 G90 G54 डालते हैं हम तो पहले पार्ट के लिए, पहला पार्ट यहाँ पे हमने सपोज ये पहला पार्ट माउंट है यहाँ पे, ठीक है, पहला पार्ट का काउंट कॉर्नर ये है, ठीक है, यहाँ पे आ गया X0 Y0 यहाँ पे आ गया। G52 में हमने मूवमेंट करी उसकी X50 और Y50 पे गया तो यहाँ पे आ गया, देखिए 50 यहाँ चला 50 यहाँ चला इस जगह पे आ गया। उसके बाद में हमने M98 को कॉल किया, M98 से क्या करते हैं सब प्रोग्राम को कॉल करते हैं, सब प्रोग्राम का नंबर P200 है, P200 यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, इसको कॉल किया तो इसकी डायमेंशन अब यहाँ से चलने लगी, G0 ये X0 और Y0 यहाँ पे है, ठीक है, G01 में मतलब लीनियर कटिंग करना है, लीनियर कटिंग करके एक्स में चल रहा है, एक्स ये वाली है, एक्स एक्स में 50 mm यहाँ ट्रैवल हुआ, ठीक है, फीड में चला कितना 100 mm की फीड, 100 फीड दे रखी है, माइक्रोन की फीड दे रखी है, यहाँ पे सी पॉइंट पे आ गया। उसके बाद में वाई में 50 चला, वाई कौन सा है ये वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक 50 चला, ठीक है। उसके बाद में ई पॉइंट आ गया, ई पॉइंट क्या है M99 से वापस इस जगह पे फिर वापस आ गया G0 G90 G55। अभी देखिए 54 था तो पहले पार्ट के लिए, G55 था तो दूसरे पार्ट के लिए, अब दूसरे पार्ट भी यहाँ पे कमांड आ गई, X0 Y0 का भी यहाँ पे आ गया, फिर M98 से P200 फिर इस कॉल कर लिया दोबारा से, सेम ऑपरेशन है लेकिन अलग अलग पार्ट के लिए देख रहे होंगे, ठीक है। तो 54 से ये वाला पार्ट के लिए कॉल किया, 55 से इस वाले पार्ट के लिए कॉल किया, और सेम चीज़ वही यहाँ रिपीटेड होने लगी, G01 में एक्स में 50 mm और फिर वाई में 50 mm चला, यहाँ तक चला, फिर M99 वापस प्रोग्राम वहीं आ गया जो है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरह से प्रोग्राम को कॉल किया जाता है किसी भी अलग अलग पार्ट के लिए, G55 से दूसरे पार्ट, G56 से तीसरे पार्ट के लिए, ठीक है, जहाँ पे भी आप ऑफसेट लेंगे उसका। ये देखिए सपोज इस तरह से वेंच वाइज लगी, वहाँ पे तो क्या था, मैंने सीधे सीधे लगाए थे पार्ट, देख रहे होंगे यहाँ पे सीधे सीधे लगे हुए ये दिख रहे हैं आपको, सीधे सीधे लगा रखे हैं, तो ठीक है अगर ये डायरेक्शन चल रही है तो इसकी एक्स में तो मूवमेंट हो रही है लेकिन वाई में हो रही है नहीं हो रही, वाई यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, देख रहे होंगे -10 -10 -10, यहाँ पे -5 -5 -5 है ना, लेकिन जब कभी अगर इस तरह से है आगे पीछे है तब क्या होगा, मशीन का ओरिजिन पॉइंट ये है, ऑफसेट सेम उसका भी यहीं लेना है लेकिन उसके कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ये एक्स का हो गया देखिए, ठीक है एक्स तो चलो ठीक है लेकिन वाई भी देखिए सबका वाई अलग अलग चेंज हो जाएगा, 147 147 247, ठीक है यहीं पे लेना है X0 Y0 Z0 X0 Y0 Z0 X0 Y0 Z0, ये ओरिजिन है मशीन का होम पोजिशन, तो ठीक है सबके कोऑर्डिनेट ये अलग अलग दिखा रखे, तो एक पार्ट ये माउंट है एक पार्ट ये माउंट है ब्लू कलर के, इनमें चार चार ड्रिल एक पार्ट में करने, 1 2 3 4 1 2 3 4 प्रोग्राम, मतलब जो सब प्रोग्राम होगा वो एक वही रिपीट होगा सभी पे, लेकिन कॉलिंग किससे होगी, G54 से 55 से 56 से, ठीक है दोस्तों।
पे आपको दिखाता हूँ। मशीन में जब मैंने मशीन चालू करी तो मशीन को आपने ऑन किया, इमरजेंसी रिलीज की, देखी तो मशीन एक्स वाई जेड में कहीं पे खड़ी होती है, ठीक है, कुछ कोऑर्डिनेट डले होते हैं, यहाँ पे खड़ी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको रेफरेंस करते हैं जेड में, देखेंगे आप यहाँ पे मशीन ये आपकी है, मशीन जेड में ऊपर चली जाएगी, जेड में ये देखिए ऊपर चली गई, ठीक है। वाई में किया, वाई में चली गई, आगे आ गई, एक्स में करेंगे तो एक्स में चली गई, ठीक है। अब ये मशीन की ओरिजिन है, मशीन कहाँ पे खड़ी, ओरिजिन, यहाँ पे ऑल करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा 000 में खड़ी है मशीन, ये मशीन पोजिशन ओरिजिन पोजिशन है, जिसको जीरो ऑफसेट बोलते हैं, वो यहाँ पे है, 00 पे खड़ी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक टूल लेते हैं हम, स्पिंडल पे लेने के बाद में एक पार्ट था, यहाँ है देख रहे होंगे आप, यहाँ पार्ट ये लगा हुआ है, पार्ट को आगे लाना पड़ेगा हमको और उसके ऑफसेट लेते हैं। तो G54 में ऑफसेट लेंगे हम, तो ये मैंने अभी समझाया था रिलेटिव पोजीशन कौन सी है, होम पोजीशन से लेकर के और जहाँ तक भी कटिंग करते हुए चल रही है वो रिलेटिव पोजीशन कहलाती है। मशीन पोजीशन जहाँ होम पोजीशन पकड़ी है वो मशीन पोजीशन है, एब्सोल्यूट पोजीशन जहाँ पे हम वर्क ऑफसेट लेते हैं कॉर्नर पे किसी भी पार्ट के, वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट है। डिस्टेंस टू वो जो हम प्रोग्राम का पाथ जो फॉलो हो रहा है, जितनी जितनी सिंटेक्स चलता जा रहा है, जो जो कोऑर्डिनेट डले हुए हैं मशीन के प्रोग्राम में वो फॉलो करते जा रहा था, वो डिस्टेंस टू गो कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे चारों कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मशीन का हमने ऑफसेट लेना है, तो ऑफसेट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये देखिए आपको दिखाई दे रहा ब्लॉक, इस ब्लॉक के चार कोनों पे आप ऑफसेट ले सकते हैं, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर और सेंटर में भी ले सकते हो, यहाँ पे भी एक्स जीरो, वाई जीरो, जेड जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर राउंडेड पार्ट है, मान लो सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए सेंटर में ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप, ये पार्ट लगा हुआ है, पार्ट में जॉग मोड में ला करके मशीन कॉर्नर पे आ चुका, पार्ट के कॉर्नर पे देख रहे होंगे, ड्रिल पार्ट के कॉर्नर पे खड़ा है। तो हम इसको ऑफसेट किस तरह से लेते हैं, ऑफसेट ये बटन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर आपको, सॉफ्ट की दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक किया, ये ऑफसेट आ गया, ज्योमेट्री ऑफसेट आ गया इसके 1, 2, 3, 4 नंबर, ये टूल हाइट कहलाता है, हर टूल के लिए अलग अलग होगी। हम लोग सबसे पहले वर्क ऑफसेट में जाते हैं, वर्क के नीचे सॉफ्ट की इसको दबाएंगे, यहाँ देख रहे होंगे आप, ये पहले वाला छोड़ देते हैं, ये दूसरे वाला G54 है, एक नंबर ये लिखा हुआ, एक नंबर G54, 55, 56, ठीक है। तो 54 जो है यहाँ पे एक्स में, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सपोज अगर यहाँ पे मान 000 है, ठीक है दोस्तों, ये 000 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ये G54 में पहला पार्ट लगाया हमने, तो G54 में ऑफसेट लेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, हमने एक्स लिखेंगे 0.0, ठीक है, एक्स 0.0 लिखेंगे, ये मेजर बटन लगा हुआ लिखा हुआ देखिए, मेजर लिखा, इसके नीचे सॉफ्ट की है, इसको दबाइए, तो जो कोऑर्डिनेट थे वो यहाँ पे आ जाएंगे एक्स में, जितना मूवमेंट करके आई है, ठीक है। यहाँ पे वाई 0.0 लिखेंगे और ये मेजर कर देंगे, यहाँ पे जेड 0.0 लिखेंगे और ये भी मेजर कर देंगे, तो जो ऑफसेट थे इसके यहाँ पे एक्स और वाई और जेड के ये आ गए -450, 250, 175, ठीक है। इसी तरह से मान लो 3, 4, 5 पार्ट हैं, तो दूसरे पार्ट के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक्स जीरो करेंगे, वाई जीरो करेंगे, जेड जीरो करेंगे, इस कॉर्नर पे टच करा के, दूसरे पार्ट के इस कॉर्नर पे टच करा के 55 में, फिर 56 में, फिर 57 में, 58 में, ठीक है। ये नीचे चलते जाइए आप, आपको दूसरे कोऑर्डिनेट आते जाएंगे, ये देखिए 57 आ गया, ये 58 आ गया, ये 59 आ गया, मतलब 6 पार्ट आप यहाँ पे रेफरेंस करके उनकी पोजीशन डाल सकते हैं जो, ठीक है। अब हम इसको रेफरेंस कर देते हैं जेड में, ऑफसेट आ चुके हैं, अब हम मशीन को रेफरेंस कर देते हैं, यहाँ पे रेफरेंस पर क्लिक किया, जेड में ऊपर चली जाएगी मशीन, देख रहे होंगे आप चली गई है ना, उसके बाद में वाई में दे देंगे, वाई में चली गई है और ये एक्स में चली गई है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप जो है केवल मशीन पोजिशन ये दिखा रही है आपकी, सॉरी, ठीक है, एक्स G54 में कहाँ कहाँ पे ऑफसेट दिए थे ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं। अब जब भी मशीन चलाएंगे आप, प्रोग्राम को कॉल करेंगे, तो मशीन वहाँ से चलना शुरू करेगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो पाथ पकड़ लेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ऑफसेट किस तरह से लेते हैं, ठीक है, और मशीन के ओरिजिन क्या क्या है देख लिए होंगे आपने, कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, मशीन हो गया, डिस्टेंस टू गो हो गया, ठीक है। तो जिसको अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है, नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जो है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।